नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस नई वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आज मैं दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करूंगा RIMC से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे कुछ मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूअर्स ने भेजा है। तो उनके जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, अब इससे अच्छी चीज़ क्या है कि अब इंडिया में जो करोड़ों लोगों को हेल्प मिलेगी। ये जो क्वेश्चन है वो करोड़ों लोगों के क्वेश्चन है जिनके मन में हमेशा वो क्वेरीज वगैरह आती रहती है कि सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड। आज मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा RIMC से रिलेटेड, ठीक है जी। तो जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है मैं उठाने जा रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा ज़्यादा लोगों का, बट यहाँ पे शिवेंद्र चंद्र है जिन्होंने मुझे मुंबई से क्वेश्चन भेजा है कि वाई आर द सक्सेस रेट ऑफ सैनिक स्कूल एंड RIMC आर हायर देन द नॉर्मल स्कूल्स। तो कॉमन सी बात है दोस्तों कि जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और जो RIMC बने होते हैं, ये जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बने ही होते हैं आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए, और सिर्फ इनमें जो बच्चे होते हैं उनका जो टारगेट होता है, उनका जो सपना होता है, जो उनके माँ बाप का सपना होता है, बस ये वो बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही जो ड्रीम देख लेते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आर्मी में ऑफिसर बनना है। तो इनके माँ बाप का सपना होता है, पैदा होते ही बच्चा ये ड्रीम देखना स्टार्ट कर देता है। और तभी ऐसे बच्चे, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको बता दूं, पूरे देश भर से अलग अलग क्वेरी आती है। मैंने देखा है कि इस टाइम जो बच्चे RIMC के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप मानेंगे, थर्ड क्लास में बच्चा है और उसके पेरेंट्स मुझे फ़ोन करके, मेरे एग्जीक्यूटिव को कॉल करके बोलते हैं कि सर अभी ये थर्ड में पढ़ रहा है और मैंने इसको पूरी RD शर्मा 6th क्लास की, 7th क्लास की रटवा दी है। तो शायद आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ऐसे पूरे देश भर में कोने कोने में ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत बड़े लेवल के, और मैं आपको बता दूं ये वो पेरेंट्स नहीं है जो बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, नहीं, कई बार ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बेचारे गांव में, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, मतलब पता नहीं कौन से गांव से, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना, वहां से मुझे कॉल करके कह रहे हैं सर मेरा बच्चा अभी 4th क्लास में है और मैं आपके यहाँ पे 2 साल तैयारी करवाने के लिए लाऊंगा और इसको पूरी 6th क्लास की RD शर्मा, 7th क्लास की RD शर्मा पूरी रटी हुई है। सोचो 3rd क्लास के बच्चे को। तो रीजन यही है सिंपल कि इन स्कूल्स का जो हायर रेट, जो सक्सेस रेट होता है वो NDA के लिए इतना ज़्यादा हायर इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको बचपन से ही मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ये बच्चे जो होते हैं वो जब वो 6 साल के होते हैं, 7 साल के, उसी टाइम से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्लानिंग जब 7th क्लास में जाते हैं तब नहीं करते हैं, जब ये 3rd क्लास में होते हैं तब से ही तैयारी शुरू कर देते हैं किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो तैयारी करने का जो तरीका है, इन स्कूलों में पढ़ाने का जो वर्किंग स्टाइल है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। इसमें ऑर्डिनरी स्कूल से कंपैरिजन तो करना ही मतलब बेवकूफ़ी है दोस्तों, क्योंकि इन स्कूलों में जो टीचिंग लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल स्कूल्स के। तो जो सैनिक स्कूल होते हैं, मिलिट्री स्कूल होते हैं, RIMCs होते हैं, उसमें जो टीचिंग लेवल होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जबकि आप मानिए इनका जो बच्चा होता है वो शाम को डेली 4 से 7 खेलता है, स्पोर्ट्स करता है, और हमारा जो नॉर्मल बच्चा होता है वो बेचारा 2 बजे तक स्कूल जाता है, 2 बजे के बाद दोस्तों वो घर आता है, खाना वाना खा के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कोचिंग भी लगाता है। मतलब वो बच्चा 8 घंटे स्कूल में, 3 घंटे शाम को, यानी 12-13 घंटे पढ़ने के बाद भी नॉर्मली रह जाता है। और इन स्कूल्स का बच्चा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC का बच्चा जो टॉप लेवल पे क्यों जाता है, क्योंकि उसको जो अपब्रिंगिंग का जो तरीका होता है बचपन से ही वो बिल्कुल अलग होता है, और जब वो स्कूल में जाता है तो उसका तरीका और चेंज हो जाता है, और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है NDAs के लिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, ऑल द RIMC देहरादून स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड इन NDA। दोस्तों मतलब आप ये लगा लीजिए कि 90% जो बच्चे होते हैं RIMC के वो सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, देखो 100% सक्सेस रेट तो RIMC का भी नहीं है, मैं आपको फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन ये मेरे दोस्त हैं गौरव कुमार, इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है पुणे से, तो गौरव थैंक यू ये क्वेश्चन करने के लिए। और जो समझते हैं ऐसा क्यों होता है, बेसिकली दोस्तों जो बेसिकली वहाँ पे भी तो पढ़ाया ही जाएगा ना। अब क्या कोई बच्चा जब पैदा होता है तो आप उसकी गारंटी ले सकते हो कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नहीं ले सकते। वैसे ही वो बच्चा भी पहले तो जब उसके पेरेंट्स फोकस्ड होते हैं पढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है कि हर बच्चे का देखो लेवल अलग होता है,
कई बार वो आरआईएमसी में गया है लेकिन वहाँ पे पढ़ा तो सबको एक जैसा रहे हैं, लेकिन क्या वो उस लेवल से तैयारी कर रहा है, क्या उस बच्चे का भी एटीट्यूड उस लेवल पे है जैसा बाकी बच्चों का है। अब वहाँ पे आपको पता है एक स्टेट से एक बच्चा सिलेक्ट होकर आता है, तो आप सोचो उन बच्चों का लेवल बहुत हाई होगा। सपोज करो वहाँ पे 500 बच्चा है, लेकिन 500 के 500 बच्चे एनडीए में सिलेक्ट होते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मतलब उसमें से आप ये कह सकते हो कि 430 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, लेकिन जो रह भी जाते हैं आप बिल्कुल उनकी चिंता मत कीजिए, वो बच्चे आईएएस पीसीएस लेवल के होते हैं, वो कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी खुद डिसाइड कर लेते हैं और वो किसी भी बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल को यूँ आराम से क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आई होप कि करोड़ों लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। उसके अलावा जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन किया हुआ है कि इज इट ट्रू दैट आरआईएमसी पास आउट स्टूडेंट्स आर एकेडमिकली वेरी स्ट्रांग। यस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो आरआईएमसी लेवल के जो बच्चे होते हैं दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, और इनका जो कंपैरिजन है, मतलब आप ये लगा लो एक टेंथ का बच्चा और एक सेवेंथ क्लास का बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टेंथ क्लास का टॉपर और एक सेवेंथ क्लास का आरआईएमसी का बच्चा, दोनों का लेवल अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। इवन आरआईएमसी के बच्चे का लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और क्योंकि इन ये बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं सेवन्थ क्लास में, इनको पूरी नाइन्थ क्लास की आरडी शर्मा, टेंथ क्लास की आरडी शर्मा, इवन इलेवंथ क्लास के काफ़ी सारे टॉपिक्स कराए जाते हैं नॉन मेडिकल साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो से रिलेटेड। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि इनका जो एकेडमिक लेवल होता है दोस्तों वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आज फाइनली मेरा टैब जो है वो काम आ गया है। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं बहुत पैसे वेस्ट करता हूँ, तो फाइनली मेरा यूज़ हो रहा है, पापा मम्मी देख लो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, व्हाट हैपेंस टू द स्टूडेंट ऑफ आरआईएमसी इफ दे आर अनेबल टू क्लियर एनडीए एग्जाम। वो बच्चे जो आरआईएमसी में सेलेक्ट होने के बावजूद अगर एनडीए का एग्जाम 12th के बाद क्लियर नहीं कर पाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के इसके बाद वो 12th क्लास के बाद जब वो ग्रेजुएशन करेंगे तो वो CDS का एग्जाम दे सकते हैं, और CDS के थ्रू डायरेक्ट वो एंट्री डायरेक्ट वो आर्मी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। आप FCAT का एग्जाम दे सकते हो दोस्तों, CDS का मैंने बताया जो कमांड डिफेंस सर्विसेज होता है, बड़ा ही कॉमन एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का होता है, उसमें लड़के लड़कियां दोनों दे सकते हैं। FCAT का जो एग्जाम होता है एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए होता है। तो जो आरआईएमसी में बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं वो बड़े आराम से यहाँ पे जाके पेपर देंगे, और मैं बता रहा हूँ कि इनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा FCAT का पेपर क्लियर करना और CDS का पेपर क्लियर करना। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आरआईएमसी के हैं, जो 10th और 12th के बाद डायरेक्ट NCC के थ्रू भी इन पेपर्स में, मतलब डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, NCC में जो आपका स्पेशल एंट्री होती है उसके थ्रू भी वो जा सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊँगा, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देहरादून और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ओहो आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून और RMS में डिफरेंस पूछा जा रहा है। जो RMC है वो पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, और वो ज़बरदस्त है, हर स्टेट से सिर्फ एक सीट होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ UP, बिहार और अपना जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें दो सीट्स हैं, बाकी पंजाब हरियाणा जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं गुजरात वगैरह, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पूरे स्टेट से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होता है। तो आप समझ जाओ RMC का क्या लेवल होता है। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है तो वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। तो और जो RMS है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो इंडिया में 5 हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, अजमेर, धौलपुर, बेलगांव और बैंगलोर, चैल, धौलपुर, अजमेर, टोटल 5 है दोस्तों। तो इसका जो लेवल होता है वो अलग होता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, RMC में और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। और RMC का जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 7th और 8th क्लास में होता है, लेकिन जो RMS का पेपर होता है वो 5th और 8th क्लास में होता है 6th और 9th क्लास की एडमिशन्स के लिए। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दोनों का जो मोटिव है, मिशन है, वो सेम है, NDA के लिए ऑफिसर तैयार करना, NDA में डायरेक्ट स्पेशल एंट्री के लिए बच्चे को तैयार करना। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, यश मोर ने भेजा है ये क्वेश्चन बैंगलोर से, थैंक यू सो मच यश। और उसके बाद है, हाउ डू आई गेट एडमिशन टू RIMC देहरादून इन 6th एंड 7th क्लास। पहली बात तो मैं बता दूं, RIMC में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ 7th क्लास में होता है 8th क्लास के लिए, ठीक है दोस्तों, और 6th क्लास में RIMC के लिए एडमिशन नहीं होता है, पहला तो ये है। और दूसरा, कैसे आप ले सकते हो, इसके लिए आप RIMC का फॉर्म मंगवा सकते हो,
वहाँ पे DD के थ्रू आप अपने घर पे फॉर्म मंगवा सकते हो। और अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हो तो हमारे जो नंबर्स हैं 8950268710 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए अपने बच्चे के डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है जी, लोकेशन और बच्चे की क्लास, तो आपको ऑटोमेटिकली हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं वो कॉल करके आपको रिप्लाई कर देंगे कि कैसे इसका फॉर्म वगैरह घर पे मंगा सकते हो, घर बैठे बैठे आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, शुड आई सेंड माई ब्रदर इन RIMC इफ इज सेलेक्टेड। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो बच्चा होगा, अगर आपका जो ब्रदर है वो RIMC के लिए सेलेक्ट हुआ है, क्या नाम है इनका, यस नाम है इनका सौरभ, राइट, सौरभ जो है वो है गुजरात से। सौरभ, अगर आपका भाई सेलेक्ट हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे लकीली कोई बात ही नहीं है, आप आंख बंद करके अपने ब्रदर को भेजिए। और RIMC तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आपका बच्चा जो है 100% NDA क्वालिफाई करके NDA में निकलेगा और डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर बनेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इज RIMC इज द बेस्ट मिलिट्री स्कूल इन इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। किरण राहुल का जो क्वेश्चन है ये है, कहाँ से हैं ये, जोधपुर राजस्थान से, तो कोई कमेंट नहीं। आपको बताएं RIMC जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का, सोचिए मैं बता रहा हूँ आपको, NDA के लिए सबसे बेस्ट स्कूल है ये, सबसे टॉप लेवल का जो स्कूल है, सबसे प्रीमियम स्कूल्स है बिल्कुल, जो मिनिमम टू मिनिमम खर्चे पे गवर्नमेंट में, सेंट्रली गवर्नमेंट फंडेड होता है ये स्कूल, जिसमें आप आँख बंद करके तैयारी कराइए। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे, मैं तीन तरह की बात करूँगा, जो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। नवंबर में जो हमारा बैच है वो 1 मंथ का ट्रेनिंग बैच है, जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का ट्रेनिंग बैच है। और उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में स्टार्ट हो चुका है, और आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों, और जल्दी से जल्दी अपनी सीट रजिस्टर कराइए। 20 अक्टूबर के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगी दोस्तों, क्योंकि हमें भी आइडिया लेना होता है कि पूरे देश भर से 200, 300, 400 कितना बच्चा आ रहा है, उसके हिसाब से अरेंजमेंट करना होता है, टीचर फैकल्टी वगैरह ज्वाइन कराना होता है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है, जो भी उसकी जो क्या नाम है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और या इस वीडियो के नीचे अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।